हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवानी शर्मा, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज मैं आपको आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। कंजक्टिवाइटिस होता क्या है? कंजक्टिवाइटिस हमारे आँख के कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन होता है, जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टाइवा हमारे आँख की जो ये वाइट पोर्शन है स्कैलरा, इसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है ट्रांसपेरेंट से, जिसको कंजक्टाइवा कहते हैं। जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तब उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आजकल कंजक्टिवाइटिस बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, बच्चों से उनके पेरेंट्स में, पड़ोसियों में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। हमें देखना क्या होता है, उसके साइन और सिम्टम्स। अगर आपकी आंखें रेड हैं, कीचड़ पानी आ रहा है, आंखों में दर्द है, सूजन है, जलन है, इरिटेशन है, कुछ भी ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, इट मीन्स कि आपको कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। आपको तुरंत अपने आई डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए। कंजक्टिवाइटिस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियल है, वायरल है। आजकल एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस ही मोस्टली फैला हुआ है। कंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है? कंजक्टिवाइटिस में आप जब जाते हैं तो अगर बैक्टीरियल है तो उस हिसाब से आपके एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप्स चलती हैं, ऑइंटमेंट दिया जाता है, साथ में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप दी जाती है। अगर वायरल है तो उस हिसाब से आपको उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कंजक्टिवाइटिस से बचने के उपाय क्या हैं? अगर आपके आसपास किसी को भी कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो उसका यूज़ किया हुआ तौलिया, बेडशीट, पिलो कवर, रुमाल, इसको आप मत यूज़ करें। अगर आपको हुआ है तो आपको कैसे दूसरों को बचाना है, आपको क्या करना होता है? अगर आपको बार बार पानी कीचड़ आ रहा तो एक सॉफ्ट कॉटन रुमाल से उसको पोछिए। अपने यूज़ किए हुए रुमाल को किसी दूसरे को मत दीजिए, अपना तौलिया सेपरेट कर लीजिए। बेडशीट, पिलो कवर, पिलो, ये सब आप सेपरेट करके अलग रखिए। ये इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते रहता है, डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी। अगर आप सही समय पर ट्रीटमेंट ले ले रहे हैं तो ये आपका 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा सीवियर हो जाने पे 2 हफ्ते तक भी या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मगर ये ठीक हो जाता है। विज़न लॉस इसमें बिल्कुल नहीं होता है। विजुअल एक्विटी आपकी, आपका विज़न जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा कंजक्टिवाइटिस के बाद। हाँ, जब अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो विज़न आपका थोड़ा कम हो सकता है, मगर जब आपका कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाएगा तो आपका विज़न वो फिर वापस आ जाता है। इसलिए विज़न के बारे में घबराने की कोई बात नहीं होती है। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि आपके आसपास अगर किसी को हुआ है कंजक्टिवाइटिस तो आप उससे दूरी बना के रखें, जैसे मैंने बताया। इसके बारे में कुछ मिथ होते हैं कि जैसे आपकी आँख में हुआ है कंजक्टिवाइटिस तो दूसरा आपकी आँख में देखेगा तो उसको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, जिसको कंजक्टिवाइटिस होता है उसको चश्मा लगा के रखने के लिए बोला जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि अगर पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है तो पेशेंट बार बार उसको टच करेगा। अगर चश्मा लगा के रखेगा तो वो बार बार आँखों को टच नहीं करेगा, इसलिए कहा जाता है कि आप सनग्लास या गॉगल्स लगा के रखिए। धूप में जाने पर पानी कीचड़ आ रहा तो चमक भी लग सकती है, उसके प्रिकॉशन के लिए उनको चश्मा लगाने के लिए कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हुआ तो आप उनकी आँख में देखेंगे तो आपको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। ये कुछ मिथ हैं, इनसे दूर रहें और जैसा कि मैंने बताया वैसे बचाव करें और अपने और अपने फैमिली की सुरक्षा करें। अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण मेरे बताए गए लक्षणों में से दिखते हैं तो आप तुरंत अपने आई डॉक्टर से मिलें और अपने आँखों की और अपने फैमिली की हेल्प करें। थैंक यू फ्रेंड्स।